धोखेबाज लड़कियों को कैसे पहचाने? कैसे पहचाने कि ये लड़की आपके दिल के साथ खेल रही है, ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है और आपको ये कभी भी धोखा दे सकती है। एक धोखेबाज लड़की आपकी पूरी लव लाइफ खराब कर सकती है। आपकी इमोशंस को जब कोई हर्ट करता है ना, तो ये हमेशा आपको याद रहता है। किसी धोखेबाज इंसान के साथ जब आप अपनी बहुत दिल से आप उससे प्यार करते हो और वो आपको जब छोड़ के जाती है तो कैसा फील होता है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो। जब वो आपको धोखा देती है ना, तो आप लाइफ में दोबारा किसी और पे भरोसा करने के लायक नहीं रहते। आपको डर लगता है, दोबारा आप प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही होंगी और आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो धोखेबाज लड़की की सबसे पहली निशानी तो यही होती है कि वो आपसे एक रीज़न के वजह से हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। बेवजह वो किसी पे भी अपना टाइम नहीं देती है। अब आप ये रीज़न फाइंड आउट करो कि क्या उसे पैसे चाहिए, आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, बॉडी की नीड है, या फिर कोई ऐसा मतलब है, या फिर टाइम पास, या फिर तुम एक असिस्टेंट की तरह उसके साथ हो। वो किस तरीके से तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, क्यों तुम्हारे साथ है, ये चीज़ें सबसे पहले तुम फाइंड आउट करो। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लड़की मुझसे किन चीज़ों पे मतलब रखती है। और जो मतलबी लड़कियां होती है ना, जो चीटर होती हैं, धोखेबाज होती हैं, वो लड़कियां ना कभी भी तुम्हें पूरा टाइम नहीं देगी। वो तुमसे सिर्फ तभी बात करेगी और तभी तुम्हारे पास आएगी जब उसे कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि वो सिर्फ ज़रूरत में आती है, जब उसे फिजिकल नीड होती है या फिर कोई हेल्प चाहिए होती है, मनी डिमांड करती है, तब अगर आपके पास आती है मुसीबत पड़ने पर, तो समझ लो कि वो लड़की तुमसे सिर्फ मतलब के लिए प्यार करती है, दिखावा कर रही है, वो तुम्हें धोखा देगी। जरूरत से ज़्यादा ही डिमांडिंग होना। देखिए, प्यार में एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है। आप अपने प्यार को गिफ्ट भी देते हो, उसके साथ घूमने भी जाते हो, उसके कुछ कुछ डिमांड को भी पूरा करते हो, लेकिन वो बेवजह बहुत सारी चीज़ों की डिमांडिंग करती रहती है आपसे। कि देखो, कंपेयर करती है कि उसके बंदे ने उसे इतनी काफ़ी महंगी गिफ्ट दी, तुम मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स क्यों नहीं देते, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते क्योंकि तुम मुझे गिफ्ट नहीं देते। अरे, प्यार में गिफ्ट देना और ना देना ये मैटर नहीं करता है। गिफ्ट तो अपनी मर्जी से दिया जाता है ना। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च करवा रही है तुम्हें, पूरी तरीके से वो अगर बैंकक्रप्ट करने पे तुली हुई है, तो समझ जाओ कि ये लड़की जो है वो तुम्हें धोखा देगी। ये मतलबी लड़की है। नेक्स्ट है कि फिजिकल होने को एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना। देखो, ये डार्क रियलिटी है कि लड़कियां ना ये तो हमेशा कहेंगी कि तुमने मेरा फायदा उठाया। अरे, तुम्हें क्या फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए था? क्या तुम्हारे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है? नहीं ना, तो तुम अपनी बॉयफ्रेंड पे या अपने पार्टनर पे ये ब्लेम कैसे लगा सकती हो? काफ़ी बार तुम जब उसे छोड़ने की बात कहोगे या फिर उससे डिटैच होगे या फिर किसी और लड़की से बात करोगे, तो तुम्हें वो बार बार याद दिलाएगी, धमकी देगी कि देखो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा नहीं कर सकते, किसी और के साथ बात नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ साइन दिख रहा है तो अलर्ट हो जाओ, ऐसी लड़की से डिटैचमेंट शुरू कर दो, और वो भी स्लोली स्लोली, अदरवाइज वो तुम्हें फंसा सकती हैं। नेक्स्ट है कि रोना धोना और मेलोड्रामा करना। ज़रूरत से ज़्यादा आपके साथ मेलोड्रामा करती है और आप पे कंट्रोल करना चाहती है, किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा करती है। जैसे झगड़ा करती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे थे, अपनी पल पल की अपडेट क्यों नहीं देते, अपना पूरा कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहती है, तुम्हें एज अ टॉय प्ले करना चाहती है। तो अगर ऐसी चीज़ें वो कर रही है तो अलर्ट हो जाओ, वो तुम्हें बहुत फंसा सकती है। और धोखेबाज लड़कियों की यही निशानियाँ होती हैं। केयर ना करना तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारी हेल्थ, वेल्थ, तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, कभी उसके बारे में तुम्हें याद नहीं दिलाएगी। कभी ये नहीं बोलेगी कि तुम अपने मोटिव्स पे ध्यान दो। अरे, तुमने तो अभी तक बहुत सारे काम करने हैं, तुम क्यों नहीं करते? तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करेगी, ऑलवेज डिमोटिवेट करेगी। तुम्हारे सपनों को कभी उड़ान नहीं देगी, कभी तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी। तो अगर वो ऐसा करती है तो समझ जा कि वो अच्छी पार्टनर नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगी ही देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
क्या तुम उसके साथ होते हो या उससे बात करते हो तो तुम वो हैप्पीनेस, वो कनेक्शन फील करते हो, या फिर तुम्हें उसके साथ बात करते हुए हमेशा डर लगता है कि कब झगड़ा कर देगी, कब स्ट्रेस हो जाएगा, कब ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देगी, या फिर उससे बात करने से ही तुम्हें स्ट्रेस फील होता है। अगर वो ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ कर रही है, तुम्हें भी उसके साथ ऐसी फीलिंग आती है, तो प्लीज़ इस रिश्ते में ना ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा इंसान आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, ना कि नेगेटिविटी। जब भी तुम एक सच्चे इंसान के साथ प्यार करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नया होगा, तुम्हारी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, तुम पूरी तरीके से कंप्लीट फील करोगे, तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है अपनी बात को शेयर करने के लिए। एक अच्छा और सच्चा इंसान आपकी बातों को समझेगा, वही एक झूठी लड़की या झूठा इंसान तुम्हारी बातों को, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। होप सो कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको किसी धोखेबाज इंसान से बचाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, ध्यान में रखते हो, तो आप लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगी। आई होप सो कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए। मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। आई विश आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो और चैनल के साथ हमेशा बने रहो। थैंक यू।